जो क्वेश्चन है ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डिफरेंस है कि पहले हमने जीरोज और वन की बात करी थी और यहाँ पर हम ए और बी की बात करेंगे। ठीक है, देखो ये मैंने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया ताकि अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल समझ में नहीं आया तब भी आप अगर ये एग्जांपल समझेंगे, इस एग्जांपल को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आई सजेस्ट यू कि आप कभी कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को आंसर करूँ। ठीक है, और आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखो, डिज़ाइन a DFA to accept strings of A's and B's ending with ABB over summation is equal to A comma B। ठीक है, अब देखो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास A और B के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैन बी A A A B A B B A एनी स्ट्रिंग लाइक दिस, तो हमें वो DFA डिज़ाइन करना है जिस जो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिनके लास्ट में हमें A B B मिल जाए। जैसे कि बिगनिंग में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ए बी ए बी ए बी, बिगनिंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग के एंड में हमेशा ए बी बी ही होना चाहिए। अगर किसी स्ट्रिंग के एंड में ए बी बी है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इन बिगनिंग वी कैन गेट एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ एज एज वेल एज वी कैन गेट एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ बीज। देखिए कैसे करेंगे, इनिशियल स्टेट आपकी रिप्रेजेंट कर रही है ए, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट। अब स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ ए बी आ सकते हैं, कुछ बी बी आ सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास स्ट्रिंग है ए बी बी, ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से आ रही है ए बी बी ए बी बी ए बी बी। अब ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट होगी क्यों, क्योंकि इट इज़ एंडिंग विद ए बी बी। अगर स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है ए बी बी ए बी बी ए ए, नाउ ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करना क्योंकि इसके एंड में हमारे पास बी ए ए आ रहा है, तो स्टार्टिंग में वी कैन गेट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब भी हम अल्फ़ाबेट को यहाँ से इस डायरेक्शन की तरफ रीड कर रहे हैं तो जैसे ही हमारे पास पहला ए आया, अब हमें देखना है कि इसके बाद हमारे पास बी आना चाहिए और उसके बाद एक और बी आना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन हम कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में इट इफ़ एनी नंबर ऑफ बीज आर देयर, जैसे स्ट्रिंग में ऐसा हो सकता है कि बी 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 ए बी बी, तो स्ट्रिंग में एनी नंबर ऑफ बीज आर देयर तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन स्टेट ए अगर हमारे पास स्टार्टिंग में कितने भी बी आ रहे हैं डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन जैसे ही पहला ए आएगा, जैसे ही पहला ए आएगा मुझे लगेगा शायद स्ट्रिंग का एंड आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको चेक करूँगा कि इस ए के बाद हमेशा बी बी आना चाहिए, तो पहले ए से हम एक स्टेट बी पर चले गए। अब इस स्टेट पर दोबारा से ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग है हमारे पास बी ए ए बी बी। ठीक है, तो पहला बी आया हम स्टेट ए पर ही रहे, दूसरा ए आया तो हम स्टेट बी पर चले गए। अब इस ए के बाद हम बी ढूंढ रहे हैं लेकिन बी नहीं मिला, लेकिन इस ए के बाद दोबारा से ए आ सकते हैं, उसके बाद दोबारा से हमारे पास स्ट्रिंग पूरी हो सकती है। तो अगर हमारे पास एक ए आया और उसके बाद दोबारा से ए आ रहा है, डजंट मैटर, हम स्टेट बी पर ही रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी आ जाता है तो हम स्टेट सी पर चले गए क्योंकि हमें इतनी स्ट्रिंग तो मिल चुकी है विच इज़ ए बी। ठीक है, विच इज़ ए बी, तो ए बी स्ट्रिंग हमें कहीं पर मिल चुकी है, यहाँ तक हम ए बी स्ट्रिंग मिल चुकी है। अब उसके बाद अगर हमारे पास इस स्टेट सी पे अगर दोबारा से बी आ गया तो शायद हमारा स्ट्रिंग का एंड आने वाला है या आ चुका है। अगर इसके बाद बी नहीं आया ए आया तो हमें स्टार्टिंग से ए बी भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर इसके बाद हमारे पास एक और बी आया तो हम एज्यूम करेंगे कि शायद स्ट्रिंग का एंड आ चुका है तो हम उसको फाइनल स्टेट पर ले लेंगे। लेकिन इसके बाद अगर दोबारा से ए आया, जैसे कि स्ट्रिंग हमारे पास है ए बी ए बी बी, ठीक है, तो इस स्टेट बी के बाद हम यहाँ से यहाँ तक जब ए बी हमने रीड किया तभी हम स्टेट सी पर पहुँचे थे। अब स्टेट सी में हमें दोबारा से अगर एक और ए आ गया तो यानी कि दोबारा से हम बी बी सर्च करेंगे, तो यहाँ पर अगर एक ए आया तो हम यहाँ पर जाएंगे बिकॉज हमें दोबारा से फिर बी बी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ए बी बी के बाद, जैसे ए बी बी ए इस तरह से स्ट्रिंग हो सकती है या फिर ए बी बी ए बी बी। ठीक है, तो यानी कि हम स्टेट डी पर जब पहुँचे जब हमने ए बी बी पूरा रीड किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद स्ट्रिंग एंड हो। उसके बाद अगर सिंगल ए आए तो हम दोबारा से बी बी सर्च करेंगे, अगर सिंगल बी आए तो हमें दोबारा से ए बी बी सर्च करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर एक सिंगल ए आएगा तो हम दोबारा से बी बी सर्च करेंगे, लेकिन अगर इसके बाद एक बी आया तो हमें दोबारा से ए बी बी सर्च करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है ये इस अबव लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या,
कि हम इस फाइनल स्टेट पर सिर्फ तभी जाएंगे जब हमारे पास ABB आएगा. अगर हमारे पास ABB नहीं है तब हम दोबारा से सर्च करेंगे. जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ. जैसे कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ABBBABBB. अब ये स्ट्रिंग ABB से एंड हो रही है तो क्या होगा, पहला सिंबल हमने रीड किया A, ठीक है, पहला सिंबल हमने रीड किया A, तो हम स्टेट A से लेकर हम स्टेट B पर चले गए, ठीक है. अब हमने दूसरा सिंबल B रीड किया एट स्टेट B, तो हम स्टेट B से लेकर स्टेट C पर चले गए, ठीक है. अब हम ये ABB रीड कर चुके हैं. नेक्स्ट सिंबल इज B. अगर स्टेट B C पर दोबारा से एक B आ जाए तो हम C से लेकर स्टेट D पर चले गए इस B को रीड करने के बाद. यानी कि अगर हमने ABB रीड किया तो हम स्टेट D पर पहुंच चुके हैं. अब उसके बाद इस D पर दोबारा से एक और B आ गया तो हम स्टार्टिंग स्टेट A पर चले गए. तो यानी कि इसको रीड करने के बाद हम स्टार्टिंग स्टेट A पर चले गए, ठीक है. अब उसके बाद एक A आया हमारे पास, हम स्टेट A पर है और हमारे पास A आया, तो हमने इस A को रीड किया तो हम एक स्टेट B पर चले गए, ठीक है. अब उस B के बाद फिर से B आया, यानी स्टेट B पर B आया, तो हम स्टेट C पर चले गए. अब स्टेट C पर फिर से हमारे पास एक B आया तो हम एक स्टेट D पर चले गए. तो देखिए पूरी स्ट्रिंग एंड होने के बाद, बिकॉज ये स्ट्रिंग ABB से एंड हो रही थी, पूरी स्ट्रिंग एंड होने के बाद हम एक स्टेट D पर हैं जो कि एक फाइनल स्टेट है. तो ये इस करंट DFA को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए जब हम DFA बनाते हैं तो इस केस में अगर आपके पास जितने भी सिंबल हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सिंबल हैं एक लैंग्वेज के अंदर, तो हर एक स्टेट पर दोनों सिंबल्स के लिए ट्रांजिशन देना ज़रूरी है. लेकिन अगर एक लैंग्वेज में तीन सिंबल्स हैं तो हर एक स्टेट पर तीन ट्रांजिशन देने ज़रूरी है, ठीक है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक स्टेट पर एक ट्रांजिशन को मिस कर दिया, ठीक है. जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टेट बी पर हूँ और हमारे पास पूरी लैंग्वेज के अंदर समीशन इज इक्वल टू A, B है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर एक स्टेट के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि A आएगा तो हम क्या करेंगे और B आएगा तो हम क्या करेंगे. हम इसको मिस नहीं कर सकते. अगर किसी केस में हम इसको मिस कर देते हैं ट्रांजिशन, तो वो DFA नहीं रहेगा, वो एक NFA बन जाएगा. NFA जब मैं समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी. लेकिन अभी मेक श्योर जब भी मैं कोई क्वेश्चन इस तरह से कराता हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए, मेरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपनी नोटबुक पे उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद इस वीडियो को प्ले कीजिए और दोबारा से कोशिश कीजिए. अब मैच कीजिए कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ, जो आपका आंसर दे रहा है, वो किस तरीके से मैच कर रहा है. अगर वो मैच कर रहा है तो इट्स गुड, और अगर मैच नहीं कर रहा तो आप कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है. तो जब मैं DFA की बात करूँगा तो DFA के केस में हर एक स्टेट पर हमारे पास जितने भी इनपुट अल्फ़ाबेट है, हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन देना ज़रूरी है. अगर हमारे पास तीन इनपुट अल्फ़ाबेट है, लेट अस से समीशन इज इक्वल टू A, B, C, यानी कि हमारे पास तीन इनपुट अल्फ़ाबेट है, तो हर एक स्टेट पर तीन ट्रांजिशन देने ज़रूरी है, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज.